तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी सिम पर कॉलर ट्यून सेट है जियो की सिम पर, अगर आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ ही स्टेप्स को फॉलो कर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो में आपको दो प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको अपने जियो ट्यून को कैसे डीएक्टिवेट करना है, मतलब जियो कॉलर ट्यून को कैसे डीएक्टिवेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप होगा वो एप्लीकेशन के थ्रू में आपको बताऊंगा, एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको मैसेज के थ्रू बताने वाला हूं। तो आपको एप्लीकेशन के लिए सिंपल सा माई जियो एप्लीकेशन प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर लेना है, एंड जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं इधर पर आपको अपने फोन नंबर को रजिस्टर कर लेना है। एंड जैसे ही रजिस्टर कर लेते हैं तो जैसे कि होम पर मैं जाता हूं, सबसे पहले तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर जैसे ही इस टाइप का इंटरफेस आएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ट्रेंडिंग नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको जियो ट्यून्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड जो भी आपकी ट्यून इधर पर सेट होगी वो इधर पर दिखा दी जाएगी एक्टिव ट्यून्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्टिव जियो ट्यून्स में आपकी जो ट्यून सेट होगी वो इधर पर दिखा दी जाएगी, एंड डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस डीएक्टिवेट पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही इस डीएक्टिवेट पर क्लिक करते हैं जो आपकी ट्यून है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करना है एंड आपकी ट्यून डीएक्टिवेट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारी ये जियो ट्यून जो सेट थी वो हट चुकी है इधर से, मतलब डीएक्टिवेट हो चुकी है हमारे सिम से। बट इस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं सेकंड प्रोसेस आपको बता देता हूं। इसलिए सिंपल से आपको अपने मैसेज वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एंड जैसे ही ओपन करते हैं तो इधर पर आपको एक मैसेज सेंड करना है। किस नंबर पर सेंड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इधर पर आपको डायल करना है 56789, और सिंपल से इसमें क्या आपको सेंड करना है वो भी मैं आपको इधर पर डिटेल से बता देता हूं। इस पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है STOP स्टॉप, मतलब लिखना है, एंड सिंपल से जियो सिम से आपको सेंड कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही जियो सिम से आप सेंड करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, एंड आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सॉरी यू आर नॉट जियो ट्यून सब्सक्राइबर, मतलब मेरी जियो ट्यून अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं थी क्योंकि मैंने अभी आपके सामने डीएक्टिवेट की है, इसलिए इधर पर मुझे इस टाइप का मैसेज देखने को मिल रहा है। बट आप में अगर जियो ट्यून होगी तो मैसेजेस के थ्रू इस टाइप से आप बड़ी आसानी से अपने ट्यून को डीएक्टिवेट कर पाएंगे। सो गाइस, दोनों ही कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। थैंक्स वॉचिंग गाइस।